हेलो हेलो हेलो, हेलो भाई। गुड मॉर्निंग है। कहाँ गुड मॉर्निंग, ये आफ्टरनून है भाई। सॉरी, हम तो सोए तो मॉर्निंग में थे ना, नाइट में कहाँ सोए थे। 5 बजे। हाँ यार, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है मनी, है ना। हाँ चलो सो जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो यार। हाँ भाई चलो सो जाते हैं। अरे नहीं भाई। हाँ भाई। अरे नहीं। अरे हाँ भाई। अरे नहीं। अरे बहुत जगह है। अरे बिल्कुल जगह नहीं है। अरे बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है भाई। तो सीन कुछ ऐसा है ना कि अपना उठने का मन नहीं कर रहा है, और अभी बज रहा है 2 दोपहर का, 2 रात का नहीं, क्योंकि रात सुबह के 5 बजे तो हम लोग एडिटिंग कंप्लीट करके सोए, 2 बजे पहुंचे, फिर खाना खाए, फिर वापस आए, फिर 2 घंटा लगा एडिटिंग अपलोड करके, फिर सोया, स्केड्यूल किया वीडियो। तो अभी देखते हैं 2 बज रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना अभी नहीं पता भाई। सुनील को एक बार फोन करेंगे, उठने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मतलब सच्ची बताएं तो बेड तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में ना। बाकी अपना तो क्योंकि ये होटल हमने एक दिन के लिए किराया था, तो आज अपना ना एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो होटल को वापस से रीबुक करना पड़ेगा। तो अपने ट्रैवल के दौरान मैं यूज करता हूँ फ्लाइट, होटल्स, इवन ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वीगो। वीगो पे गया, होटल्स पे सेलेक्ट किया, अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया लखनऊ का। लखनऊ के डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च पे गया, और सर्च में वीगो मेरे को मल्टीपल साइट्स को कंपेयर करके होटल्स के बेस्ट रेट्स देता है। तो होटल और फ्लाइट्स तो अपना सेम रहता है, बट उसके रेट्स अलग अलग साइट्स पे अलग अलग होते हैं। तो वीगो से मेरे को ये फायदा होता है कि मुझे मल्टीपल साइट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी अपने को होटल समझ में आता है उसका चीपेस्ट रेट मुझे वीगो पे मिल जाता है, क्योंकि 2 पैसे बचे अपने ट्रैवल पे तो क्या मारा है। वीगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। आप अगर वीगो यूज कर रहे हो तो ऐप को अपडेट कर लेना, ताकि ट्रेन वाला फीचर भी आपके ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगे। इधर अंधे तुम इतना सफेद सफेद क्यों पहन के आए भाई? हाँ अरे भैया, हाँ व्हाइट कॉलर आदमी है। व्हाइट कॉलर का है, टी शर्ट है। सुनील आया है तो हमने सोचा कि कैरेट केक तो खराब हो जाएगा ना। हमने कहा सुनील खाओ ना, अच्छा है। ओ भाई, और यहाँ देखो धूप। ओ भाई बहुत धूप निकला कल, क्या मस्त बारिश हो रही थी, यहाँ पूरा धूप ही धूप है भाई। तब ये कैरेट केक खाए। सुनील आओ खाओ ना भाई, बहुत अच्छा है, फ्रेश है। करके 4 बजे, मतलब सॉरी शाम के 4 बजे अपन रेडी हो गए हैं, भूलटाक तरीके से एकदम ना, एकदम झन्ना गए ना, एकदम रेडी वेडी होके। हाँ, और अभी निकल रहे कहाँ? तो भाई बाइक लेके आए हैं। हम कहे कि भैया तुमको लखनऊ में हमसे गाड़ी चलवाओगे, बाइक लेके आए ना गुरु, जानबूझ के, वो भी सिंगल सीटर, साला दूसरा बंदा ही नहीं बैठ सके। बताओ साला, हम लोग जाएंगे क्या? नहीं, हम गाड़ी निकालेंगे ना, ये इसका प्लान। तो इस होटल में ना अंदर पार्किंग नहीं है, मतलब होटल अंदर तक इतना ही है, तो हमने गाड़ी अपनी सामने ही लगा दी थी। भैया सामने झन्नाटे टाइप से, बाकी खिड़की से दिखता नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, कैमरा वैमरा है। गाड़ी एकदम गंदी हो गई यार, देखो पूरी कुल मिट्टी मिट्टी हो गई भाई। चलो निकलते हैं, इसमें डीजल भी ले लेंगे आज। देख रहे हो कितना बदमाश लड़का है भाई। भाई 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 सुनो, एक रील बना दो भाई। तुम चला तो रहे हो, कैसे बोल रहे हो चलती नहीं है? अरे गजब राजा, बुलेट राजा हो गए तुम तो ना। हो गया। भाई तो अभी उसका गाड़ी ना, मतलब उसका बेसिकली बुलेट घर पे लगवा रहे भाई, मजा आ गया चला के। थोड़ा दूरी चलाया मैंने, एक दो रील वील के लिए, ठीक है कि बुलेट से निकले और फॉर्च्यूनर में घुस गए। ये दोनों चीज ना प्यार है भाई, इंडिया का बुलेट भी प्यार है और फॉर्च्यूनर भी प्यार है। तो अभी जा रहे हैं भाई का, पहले गाड़ी लगवा देंगे घर पे। अरे यार ये तो उल्टा ले जा रहा है यार, बहुत बदतमीजी से लेना होता है। सही बोल रहे, ऐसे है क्या लखनऊ में? माफ है ये सब। अरे पुलिस आ गया भाई, सोचे हम पुलिस आ गया। अच्छा ये अल्टो में लगा है, अल्टो में सायरन लगा था। ओवरटेक कर रहा है, मतलब ये सिग्नल तोड़ रहा है ये लड़का। हाँ, नो सिविक सेंस, नो ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस भी नहीं है, ट्रैफिक सेंस भी नहीं है।
ओह माय गॉड, किसी को ट्रैफिक सेंस या सिविक सेंस नहीं है क्या? नहीं नहीं पता नहीं, से भी जा रहे हैं ये तो नहीं, नहीं नहीं हमारा ही सिग्नल है भाई। अच्छा हमारा, हमें रिकॉर्डिंग सेंस नहीं है। सामने बादल देखो भाई कैसा है, अभी ना थोड़ी देर पहले तक ना खिड़की खोला ना तो पूरा ताबड़ तोड़ धूप था भाई, एकदम अंदर इतना रोशनी, गाड़ी पूरी गर्म हो गई है, और अभी सामने ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं कहाँ ही कितनी तेज बारिश होगी। तो अभी निकले हैं कुछ खाने वाने के लिए, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, पेट पूजा कर लेंगे, उसके बाद देखते भैया काम दूजा के। आज तो अपना चिल डे है भाई, पैर वैर बाहर निकाल के चला रहे हैं ना, दोनों पैर बाहर निकाल के और सीना एकदम चौड़ा करके, ऐसा लग रहा है चाहे सीना हो चाहे नहीं हो लेकिन चौड़ा करके पूरा चला रहा है, चाहे सिंगल चीज कह नहीं हो। हाँ सही बात है, रेल की पटरी पे मत थकना, पहले हाथ से धोते थे फिर से हाथ धो बैठोगे, समझे सुनील? ये तो शौचालय का पैसा ले रहा है ना, तभी इतना शौचालय का पैसा ले ले लेके ना करोड़पति हो गया, ये देख रहा क्या हो गया, गिर गया क्या? फिलहाल अपन जा रहे हैं टुंडई, और वो जा रहे हैं अमीनाबाद वाले एरिया में, नहीं जहाँ पे एक्चुअली गाड़ी लगा के फिर रिक्शे से जाना पड़े, क्योंकि बारिश वारिश का कोई सीन नहीं है, मतलब सीन सही नहीं है भाई, कभी भी बारिश आ रही है कभी भी नहीं आ रही है, तो गाड़ी वहां तक जाती नहीं है। तो अपन जा रहे हैं कपूरथला, हाँ एक कपूरथला है, और ये देखो तो सामने कितना तेज बारिश हो रहा है, ये देख रहे हो, हाँ इधर है ही नहीं भाई, ये देखो क्या भयंकर तेज हो गया, धूप और कहीं धूप कहीं छाव, हाँ तो इसी चीज का सीन सेट नहीं है भाई, मतलब ये कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है। तो अपन जा रहे हैं कपूरथला, वहां तक गाड़ी जाता है शायद, गाड़ी जाता है ना बाबा, हम भीड़ भाड़ में नहीं ले आते हैं, मेन रोड पर जाना है, यहाँ कहाँ जा रहे हो, इस तरफ से जाना है, ऊपर 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 से जाना है, इधर से चल जाए, अरे ठीक है बहुत जगह है, अरे अरे सॉरी नई जगह है भाई, कौन सा बिल्डिंग है भाई? हाई कोर्ट है, सरकारी तो पता ही है यार, ये तुम बेकार हो बे, तुमको हम सोचे कि लखनऊ में हमें गाइड मिल गया है फ्री का, हाई कोर्ट हम उस तरफ से समझ रहे थे। अच्छा नहीं तो मतलब यही रहते हो ना भाई? नहीं नहीं झूठा है झूठा, फर्जी आदमी है, लखनऊ का नहीं है ये। एक चीज तो है, लखनऊ में फॉर्चुनर का फुल भोकाल है भाई, ये आ गया अपना टुंडई कबाबी, हाँ फॉर्चुनर था तो भैया बोले आप लगा लो, दूसरा गाड़ी हमारे पीछे एक गाड़ी आया उसको भैया मना कर दिया है, नहीं नहीं उधर पीछे लगाओ पार्किंग में लगाओ, ये सब बवाल चीज़ है भाई, फॉर्चुनर गजब बवाल चीज़ है। और देखो जी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे ये परिणीति मैम आई हैं, आमिर सर आए हैं, ये कौन है ये नहीं पहचानते, अच्छा दीपिका मैम आई हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी भाई आए हैं मिर्जापुर वाले, हाँ सोनू निगम भाई, अमिताभ सर, शाहरुख भाई, सलमान भाई, भाई तैसे बोले जैसे मेरे दोस्त है ना, गोविंदा सर हमारे साथ कट्टा हो गया, तुम सुनो तो तुम हटो तो पहले, अरे यार तुम वो सामने दिख रहा है वो उसके उस साइड है फैमिली सेक्शन और ये है छड़ा सेक्शन, तो हम तो छड़े छड़े आए हैं, तो उन्होंने भैया ने कहा भैया आप छड़े सेक्शन में जाओ, फिर हमने कहा भैया यहाँ तो फील नहीं आ रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फील वाला, वहाँ थोड़ा सा अंदर रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा था, भैया ने कहा खाना वही मिले, हाँ ये ढाबे वाला फील है, ये तो तगड़ा लग रहा है भाई, उसका कलर देख रहे हो कितना अच्छा है, हाँ बढ़िया, कौन सा था याद है दस्तरखान का, बर्रा चिकन, बर्रा चिकन, खाना जहर है भाई, जहर मतलब जहर जैसा, अच्छा वो एग्जेक्टिव है, जहर इज एन एग्जेक्टिव, जहर है भाई खाना, जहर है जबरदस्त भाई, मजा आ गया, नहीं लेना है मतलब जहर का भाई। हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है गलौटी कबाब, जिसको हम ना दिल्ली में टुंडई कबाब कहते हैं, टुंडई कबाब तो बेसिकली शॉप का नाम है, ये है लखनऊ का गलौटी कबाब, तो यहाँ आए और गलौटी कबाब नहीं खाए तो क्या लखनऊ आना वेस्ट है, खाना वेस्ट है, आना भी वेस्ट है खाना भी वेस्ट है। छोटे से सब्सक्राइबर हैं, व्हाट्स योर नेम? शौर्य। शौर्य, तो शौर्य आए हैं अपने फादर के साथ, उन्होंने एक्चुअली हमारी गाड़ी देखी थी, तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी तो गाड़ी रोड पे दिख गई थी भाई, यहाँ से निकल गए, टाइम क्या हो रहा है, अरे 5:40 में कुल अंधेरा हो गया ना, कुल अंधेरा देख रहे भाई, कितना बगल से निकाला पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं भाई, तो एकदम अब मुड़ना उधर था लेकिन भाई राइट से निकाला, देखो ये अरे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बाइक वाले से बहुत डेंजरस है भाई, एकदम खतरों के खिलाड़ी। तो अभी जा रहे हैं 10:90, वहाँ पे एक चौराहा है 10:90 करके भाई, जबरदस्त लगता है एकदम फुल भोकाल वाला, और वहाँ पे आई लव लखनऊ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे फोटो लेंगे ना। भाई फिर से बारिश आ गई, हाँ कहाँ जा रहे थे हम लोग, सोचे कि आराम से फोटो वोटो लेंगे, यहाँ तो बारिश ही आ गई भाई, लाइट कहीं नहीं जल रहा है, अच्छा जल रहा था सॉरी, हाँ यार उधर से ही आए थे लेकिन उस समय लाइट बंद था, शराबी थे ना बहुत कल रात में, अरे सुनो कल रात में एक बंदा कैसे चला रहा है, इस खिड़की से अपना पैर बाहर निकाल दिया है ठीक है, और गाड़ी चल रही है भाई गजब, मैंने कहा भाई ये सही नशा कर रहे हैं यार लखनऊ वाले,
कुछ अलग मिलता है क्या? अलग क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे? भाई ये 1090 चौराहा तो हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ लगी है कि कहाँ से आदमी फोटो वोटो खिंचवाएगा भाई। हाँ ये तो रात में आना पड़ेगा सुनील। 100 पाइपर्स का बोतल है ना तुम्हारे पास, पी लेना। ये हम तो एडिटिंग करेंगे ना भाई। ये सामने इधर कोई पुल है तो उधर जाम लगा है, अपन आ रहे थे इधर। ये देखो अभी तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा पानी वानी पड़ रहा है। ये देख रहे झन्नाटेदार तरीके से। लेकिन इन लोग ने बिजली का बिल नहीं भरा ना, लाइट नहीं चल रहा है, बताओ। किसी तरह करके गाड़ी तो यहाँ तक लगा दिया। अब देखते हैं फोटो वोटो आता है कि नहीं, बाकी आपको पता चल ही जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, स्टोरीज में डाल देंगे। हाँ आई लव लखनऊ, जबरदस्त लग रहा है गुरु। भाई अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे ना ये फ्रेम खाली मिल जाए, लेकिन भाई कुछ नहीं हो सकता। और मीनवाइल यहाँ पे लड़ाई हो गई है, पता नहीं गाड़ी वाले को ना पकड़ के सब लोग बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। वो हम उधर जाऊँगा तो गालियाँ सुनाई पड़ जाएंगी ना आपको, इसीलिए उधर जा नहीं पा रहा हूँ मैं। बाकी ठीक है यार, ये देख लो अब यहाँ कहाँ खाली हो के मैं। भाई मेरे को अपनी फ़ोटो नहीं चाहिए, अपनी चाहिए होती तो फिर भी ले लेता, अब गाड़ी के साथ फ़ोटो चाहिए। गाड़ी हमने यहाँ लगा भी दी, पार्किंग की जगह भी खाली मिल गई थी, लेकिन भाई ठीक है कुछ नहीं कर सकते, ऐसे देख लो। हाँ स्क्रीनशॉट लेके यही डाल दूंगा। भाई ये दिक्कत ये हुआ है ना कि अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है और पेरेंट्स उसके, और चाबी गाड़ी के अंदर रह गई है। ये रेक्सटन डस्टन गो ये वाली गाड़ी है भाई। ये कैसे लॉक हो जाती है साला, चाबी फंस के अंदर। वो बेचारा बच्चा अंदर ही फंसा हुआ है, सब लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई नहीं हुआ था। आए खुल गई भाई, जल तो रहा है कुछ भाई, दिक्कत हो गया है। HR 26 नंबर है गाड़ी का भाई, HR गुड़गांव नंबर है गाड़ी का। भाई हमने तो बोला कि पीछे पाना वाना लगा के सुनील को, सुनील पहले चोरी करता था ना, तुम पहले चोरी करते थे ना। सुनो इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, पहले इधर आओ, आइडिया तुम इधर आओ। ये पता सुनो क्या कह रहा है, पाना लगा के तुम्हारे डिक्की खोल देंगे, थोड़ा सा बैंड होगा, दिक्कत तो नहीं है। पहले साला गुड़गांव में चोरी करता था ना ये, साला चोर आदमी है। चलो ठीक है भाई, अभी ट्राई कर रहे हैं, नहीं तो बाकी हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर सुनील चोर तो है ही अपने पास, वो पाना लगा के खोलने का कोशिश करेगा। भाई हमने तो बहुत बोला कि सुनील चोर है हमारे पास, वो पाना लगा के खोल देगा, लेकिन भाई कह रहे हैं कि नहीं यार डिक्की बैंड हो जाएगा उससे। तो ठीक है अब निकल जाते हैं, बाकी इतने लोग हैं। बाकी इधर पुलिस चौकी भी है यार, पुलिस से हेल्प ले सकते हैं वो, बट अभी क्या ही बोला जाए यार। बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली रखना चाहिए। अब ये गाड़ी भी पता नहीं अंदर से कैसे लॉक हो गई यार, अंदर चाबी छूट के लॉक होती नहीं है नॉर्मली गाड़ी। चलो आई लव लखनऊ को बाय बोले और यहाँ से निकले। अब भीड़ देख के ना बच्चा भी घबरा ही रहा होगा यार। बाई चांस अगर तुम उस गाड़ी के मालिक रहते तो तुम्हारे लिए बच्चा प्यार होता है गाड़ी? गाड़ी का शीशा फोड़ देते, हम इतनी देर इंतजार करते तो। लेकिन फिर भी भाई कह रहे नहीं नहीं पीछे डेंट नहीं आना चाहिए। अबे हमें लग रहा ना गाड़ी उसकी नहीं होगी। एग्जैक्ट भाई हम कट लिए यहाँ से और अभी जा रहे हैं। सुनील दूध निकालेगा नहीं, सुनील को दूध लेना है और फिर वो घर जाएगा, और क्योंकि सुनील भैंस का भी काम करता है सुनील हमारा मल्टीपर्पज है। पहले गुड़गांव में जितना चोरी होता था सुनील तो करवाता था, अभी देखो सुनील जब से गुड़गांव छोड़ा लखनऊ का चोरी बढ़ गया कह रहा पाना निकाल के ना हम डिक्की खोल देंगे, थोड़ा सा बैंड होगा, दिक्कत तो नहीं है। मैंने कभी ये कब सीखे तो कह रहा स्कूल के बाद हम यही तो कर रहे थे, ग्रेजुएशन तो नाम का था मेरा। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, हाँ डिग्री हासिल किया है ना, कह रहे ये डिग्री मिलता नहीं है, डिग्री हासिल करना पड़ता है। कह रहे सुनील ना हम तो किसी की मदद करने के लिए, तुम ऐसा सोचे कि डिक्की खोल देते हैं, हम कहे कि पहले तो तुम अपना ही मदद कर रहे थे ना तो अब तुम हमारा क्या फायदा था बताओ। तो तुम जो डिक्की खोल के टायर चुराते थे स्टेपनी वाला उसे जाके बैंगलोर में ही बेचते थे, सब पता है सुनील, तुम झूठ नहीं बोल सकते। ये तो हम एडिटिंग में काट देंगे ना, ये तो हम काट देंगे ना एडिटिंग में। भैया उधर ना डीजल डालने के पहले ना कह रहे जीरो देख लो, सुनील कह रहा हाँ रिपोर्ट कार्ड में तो देखते ही थे बचपन से। फाइनली रूम पे आए, ये डू नॉट डिस्टर्ब। अरे साफ ऑफ किया क्या रूम? अरे रूम तो हमको साफ चाहिए नहीं था। नहीं नहीं किया ना, देखो अच्छा अब लग रहा है ना घर जैसा। वेलकम होम भाई, वेलकम होम। ये जो बैग ले गए थे ना, हाँ इसमें चाबी भी टांगने के लिए, मोबाइल वोबाइल रखने के लिए, ठीक है। तो भैया करते इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, अभी सुनील आ रहा, पार्टी चलेगी अपनी ताबड़तोड़, और कल यहाँ से निकल जाएंगे, दिख ही नहीं रहा है, और कल जी यहाँ से निकल जाएंगे पता नहीं कहाँ के लिए, कहाँ रहेगा अपना डेस्टिनेशन अपने को अभी पता नहीं, बट या कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे। आज हम लखनऊ में मेन इसलिए रुके थे क्योंकि आज हम बहुत थके हुए थे, थके हुए हम अभी भी हैं, लेकिन अभी उतना थके हुए नहीं है जितना कल थके हुए थे। तो आज का अगर छोटा सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगता है तो हम सब चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में, टिल देन पीस पीस गुरु पीस।